अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विश्व स्तरीय संस्थानों ने चालू वर्ष 2022 के लिए वैश्विक कारोबार विकास दर के अनुमान को कम कर दिया है, लेकिन इसका असर फिलहाल भारत पर कहीं से नहीं दिख रहा है। उल्टा रोजगार पर सेक्टर के निर्यातकों के पास पहले के मुकाबले अधिक ऑर्डर आ रहे हैं। निर्यातकों के मुताबिक चीन से आपूर्ति बाधित होने के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में काफी उथल पुथल है और इसका फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। निर्यातकों का कहना है कि वैश्विक कारोबार में कमी आने से अगले 6 महीनों में जींसों के निर्यात में कमी आ सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में बढ़ोतरी जारी रहेगी। वहीं बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि WEO ने चालू वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर के अनुमान को 0.8% कम करते हुए 3.6% कर दिया है। वहीं वैश्विक व्यापार संगठन WTO ने चालू वर्ष 2022 में वस्तु कारोबार की विकास दर के अनुमान को 4.7% से घटाकर 3% कर दिया है। निर्यातकों ने बताया कि अमेरिका में आर्थिक सुस्ती का असर भारत पर इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वैश्विक हालात में भारत को प्रमुख सप्लायर रूप में कई देश देख रहे हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में अप्रैल में भारतीय वस्तु के निर्यात में 30% से अधिक की बढ़ोतरी रही। वहीं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि वैश्विक कारोबार में कमी का फिलहाल इंजीनियरिंग निर्यात के ऑर्डर पर कोई असर नहीं है। इसके विपरीत पहले के मुकाबले निर्यातकों के पास निर्यात ऑर्डर के लिए अधिक पूछताछ हो रही है। वहीं काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन ने कहा कि वैश्विक कारोबार में भले ही कमी हो रही है, लेकिन चीन से आपूर्ति बाधित होने व युद्ध की वजह से भारत को पहले के मुकाबले निर्यात के अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं। साथ ही कई यूरोपीय और अफ्रीकी देश अब भारत का रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।